हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखिए, मेकअप को लेके हमारे अंदर बहुत सारे जो है क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमारे व्यूवर्स के क्वेश्चन हैं। उन्होंने मुझसे पूछा है कि सीरम और प्राइमर में क्या फ़र्क है, दोनों क्या काम करते हैं, और क्या हम सीरम लगा लें और प्राइमर ना लगाएं, तो क्या सीरम प्राइमर का काम करेगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो उसमें लाइन्स पड़ जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है और कौन सा मेकअप करें। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, तो आज आपके लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या हम सीरम, पहले तो ये था कि इनमें डिफरेंस क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम सीरम को यूज़ कर सकते हैं प्राइमर की जगह पे। पहले हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखिए, आप सीरम का यूज़ प्राइमर की जगह पे करना चाहते हैं तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको सीरम को एज अ प्राइमर यूज़ कर रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा जो है मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप सीरम अलग काम करता है, प्राइमर अलग काम करता है। अब इनको यूज़ कैसे करना है। जब भी आप मेकअप करते हैं तो सबसे पहले मॉइस्चराइजर करते हैं। अगर आपको सीरम और प्राइमर दोनों चीज़ें लगानी हैं तो पहले सीरम लगाएं, उसको अच्छे से फेस में मर्ज होने दें, फिर प्राइमर लगाएं। ठीक है, तो पहले सीरम और फिर प्राइमर मेकअप में। नेक्स्ट कि दोनों के काम क्या है। देखिए, सीरम एक ऑयल होता है, फेस सीरम एक ऑयल होता है जो कि फेस का सीरम होता है। फेस में मॉइस्चर कंटेन बनाए रखता है, फेस में ऑयलीनेस बनाए रखता है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी जो है आपके मेकअप में थोड़ा मॉइस्चर बनाने का काम करता है। एक एक अच्छी सी ल्यूब्रिकेशन होती है, जिसे ल्यूब्रिकेशन कहते हैं, तो इस तरह प्रोवाइड करता है। तो सीरम बहुत ज़रूरी है, ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूज़ करना। बाकी सीरम की जगह पे, यानी कि अगर आप सीरम को एज अ प्राइमर भी यूज़ कर रहे हैं तो ये गलत है। सीरम का काम क्या है, सीरम का काम है सिर्फ और सिर्फ आपके फेस में मॉइस्चर कंटेन रखना, मॉइस्चर बनाए रखना, ताकि आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहे और वो ड्राई ना हो और वो ख़राब ना हो, और आपके जो फाउंडेशन जो आप अप्लाई करोगे, जो बेस आप सेट करोगे, वो अच्छे से स्मूथली सेट हो जाए। प्राइमर का काम क्या होता है, प्राइमर एक ऐसी लुक देता है, एक लेयर होती है आपके फेस पे जो कि फाउंडेशन और आपके फेस के बीच में होती है। आपके फाउंडेशन और आपके फेस के बीच में एक लेयर होती है, वो जो लेयर होती है उस लेयर को हम बोलते हैं हमारी प्राइमर की लेयर। प्राइमर का काम क्या होता है, प्राइमर एक तो आपके फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग रखेगा, यानी लंबे टाइम तक सेट रखेगा। आपका जो मेकअप होगा अच्छे से स्मूथ रहेगा लंबे टाइम तक। सेकेंड कि प्राइमर आपका जो फेस जो ऑयल रिलीज करता है, जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनका जो फेस है ना, कुछ ऑयल जो है रिलीज करता है, और वो जो ऑयल होता है और जो आप ऊपर से फाउंडेशन अप्लाई करते हो उनको मिक्स नहीं होने देता, उनको मिक्स नहीं होने देता। जब वो दोनों मिक्स होते हैं ना, जब कभी कभी आप कहते हो कि मेरा फाउंडेशन काला पड़ गया, मेरा फाउंडेशन, मेरा फेस अजीब लग रहा है, डल दिख रहा है, बेकार, इससे अच्छा तो मैं पहले लग रही थी, इस तरह के बहुत सारे जो बातें होती हैं, तो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है जब आपके फेस के ऑयल के साथ मिलता है। ऑक्सीडाइज होकर वो काला हो जाता है, काला पड़ जाता है आपका जो फाउंडेशन है, जिसकी वजह से आपको अपनी स्किन बहुत ज़्यादा, आपकी स्किन वेयर्ड लगती है और अजीब लगती है। इसी वजह से प्राइमर का यूज़ किया जाता है। प्राइमर आपके फेस के ऑयल को और फाउंडेशन के बीच में एक लेयर बना के रखता है, उनको मिक्स नहीं होने देता। ठीक है, इस वजह से प्राइमर का यूज़ किया जाता है। दोनों के अलग अलग काम है, सीरम मॉइस्चर कंटेन करने का काम करेगा, प्राइमर जो है सेटलमेंट का काम करेगा, एक लेयर का काम करेगा, ताकि आपका जो फाउंडेशन जो आपका बेस है वो लंबे टाइम तक रहे, जैसे कि ब्राइडल्स होते हैं सुबह से शाम तक उनका जो मेकअप है एज इट इज रहता है। ये तो आपके हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। वो कहते हैं कि मेकअप में जो है लाइन्स आ जाती हैं जब वो मेकअप करते हैं, तो कौन सा मेकअप करें। देखिए, बात ये नहीं है कि आप कौन सा मेकअप कर रहे हो, बात यह कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा यानी सीरम बेस जरूर यूज़ करें, सीरम जरूर यूज़ करें, मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करें। अगर आपका ऑयल जो फेस है उसके लिए आपको यानी कि थोड़े मैट फाउंडेशंस जो है यूज़ करने चाहिए। अब दोनों में एक चीज़ है,
लाइंस आ सकती हैं, दोनों में ही आ सकती हैं, तो क्या करें? देखिए लाइंस कैसे क्यों आती हैं, सबसे पहले ये बात है, जब आप एक्सेस में प्रोडक्ट लगा देते हो ना, जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हो तो आपका क्या हो जाता है ना कि कभी कभी फाउंडेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है जिसे कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, जितनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोडक्ट लगाए। बहुत मोटी लेयर बनाने की कोशिश ना करें, मोटी लेयर बनाने से कोई सुंदर नहीं दिखता, प्रॉपर प्रोडक्ट चूज करने से सुंदर दिखता है। तो मोटी लेयर की बजाय लेयर पतली रखें, अच्छे से ब्लेंड करें। और लाइंस आने का मतलब ये है कि आपका आपको शायद प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपने प्रोडक्ट यूज़ किया है, ताकि क्योंकि वो एक ब्रेक हो गया। सेकंड, मैंने बहुत बार देखा है ब्राइडल्स की केस में ज़्यादा होता है कि उनका जो है मेकअप ब्रेक हो जाता है, तो ये थोड़ा वेयर्ड चीज़ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट उतना ही लगाएं जितना नीड है, एक्सेस में प्रोडक्ट ना लगाएं। दूसरा, बेस जब आप सेट कर लेते हो, फाउंडेशन या जो भी चीज़ आप अप्लाई कर लेते हो, उसको लूज पाउडर से सेट ज़रूर करें, या लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी आपके पास है ना, उसे सेट जरूर करें। जब उसे सेट नहीं करते तब भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे पाउडर से सेट ज़रूर करें। जितना रिक्वायरमेंट है पाउडर भी उतना ही, यानी मेकअप का मतलब बहुत ज़्यादा लगाना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लगाना, मेकअप का मतलब होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना करें ताकि वो पर्सन अच्छा लगे। तो आप भी अपने फेस पे उतना ही मेकअप करें जितना रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेकअप करें, ठीक है। ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए आप एक्सेस पे प्रोडक्ट ना लगाएं, तो वो अलग दिखती हैं और वेयर्ड लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कहिएगा और मैं आपको उसका आंसर दूंगी, जैसे कि ये दिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।